पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हिंदू महाविद्यालय में आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में अमृत महोत्सव मनाया गया। विद्यार्थी परिषद ने हिंदू महाविद्यालय में क्रांतिकारियों के प्रदर्शनी कॉलेज कैंपस में लगाई और प्रत्येक छात्र छात्राओं को क्रांतिकारियों के द्वारा आजादी के लिए दिए गए बलिदान के बारे में बताया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज ग्राउंड में राष्ट्र ध्वज भी लगाया। प्रदेश सहमंत्री सचिन सिंह ने बताया कि पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि उन क्रांतिकारियों को समर्पित है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनके कारण आज हम आजाद हैं और स्वतंत्र होकर अपने देश में अच्छी जिंदगी पा रहे हैं। इसी अवसर पर प्रदेश सहमंत्री सचिन सिंह, कॉलेज प्राचार्य सत्यव्रत रावत और विभाग संयोजक शिवा शर्मा, महानगर उपाध्यक्ष राजेश तोमर, ऋतिक चौहान, तुषार शर्मा के साथ बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सचिन सिंह, प्रांत सहमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आजादी का 75वां महोत्सव जो पूरे भारत में मनाया जा रहा है, उसी के निमित्त आज हम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजक ये कार्यक्रम, प्रदर्शनी का कार्यक्रम लगाया गया और विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने बताया कि ऐसे क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी जिन लोगों का आज तक कहीं जिक्र भी नहीं हुआ, ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों के बारे में हमने आज छात्र छात्रा को बताया कि उनका कितना बड़ा योगदान इसमें आज़ादी में रहा था। इसके अलावा क्या संदेश दिया और किस तरह से पार्टिसिपेट किया उन युवाओं ने जो इसमें साथी रहे? हमारे जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं ने जो पार्टिसिपेट करा, इसमें हमने उन्हें बताया कि आज़ादी जो कितना कठिन काम था, जो हम आज आज़ादी में, हम आज़ाद देश में बैठे हैं, उन लोगों ने कितना संघर्ष करा था हमें आज़ाद देश में आज जो हम रह रहे हैं, उसी के लिए हमने उनके बारे में बताया। अभी तक जो जानकारी दी जा रही थी उन युवाओं को, वो कहीं ना कहीं उनसे वंचित रहे हैं, उन महापुरुषों की जानकारी उन लोगों को नहीं है। हाँ, ऐसे कुछ लोग अभी हैं जो अभी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने उसके लिए हमने प्रदर्शनी लगाई है और उनके बारे में नीचे कुछ लिखा हुआ है, उनके जीवन परिचय हमने उसमें लिखवाए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।